अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान रेंजर सिंध के अंदर नई जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है और ये जॉब्स कौन कौन सी हैं, आपने इन पर कैसे अप्लाई करने, कितनी सीटें, सारी तफसील मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट है सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की, उसके बाद खतीब की, हवलदार जनरल ड्यूटी, सिपाही क्लर्क, नाइक जनरल ड्यूटी, सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही कुक, सिपाही मैसवेटर, सिपाही मिसालची और नॉन कम्बेडेंट्स इनरोल्ड का मतलब क्या होता है कि प्लम्बर, हजाम, इलेक्ट्रिशियन, थरकार, मिस्त्री, रंगसाज वगैरह। ये टोटल सीटें जो है 990 बनती हैं और नॉन कम्बेडेंट्स की जो हैं वो 80 सीटें हैं। सिपाही जनरल ड्यूटी की 762 सीटें हैं, सिपाही क्लर्क की 48 सीटें हैं, सिपाही जनरल ड्यूटी की अपना नाइक जनरल ड्यूटी की 29 सीटें हैं और सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की 8 सीटें हैं। इसमें आप लोगों को यहाँ पर इस साइड पर उसने मेरिट वगैरह दिया हुआ है कि किस पोस्ट का, यानी कि इनका 50% जो है वो पंजाब का मेरिट होगा, 7.5% ओपन मेरिट है, इस तरह वगैरह वगैरह ये सारा उसने बताया हुआ है। अप्लाई करने के लिए आपने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध .org इस वेबसाइट पर जाना है। आज से इन्होंने लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन शुरू है लेकिन अभी हुई नहीं है, तो आज रात तक या कल सुबह से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, तो वो मैं आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के तरीक़ेकार बता दूंगा। फ़िलहाल फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स यानी कि मियार क्या है कद का, छाती वगैरह का, और उसके साथ आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है, तरीक़ेकार क्या होगा सिलेक्शन का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई के बाद आपकी स्लिप पर डेट लिखी हुई होगी और जो डेट होगी उस डेट को आपने अपने मुतालिक सेंटर पर पहुंच जाने, जो सेंटर आपको बताया गया हो। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए FA FSC या उसके बराबर 12 साल तलीम होनी चाहिए। खतीब, हवलदार और नाइक जनरल ड्यूटी, इनके लिए मैट्रिक या इसके बराबर होनी चाहिए। अगर आप सिपाही क्लर्क हैं तो 12 साल तलीम के साथ आपके पास 1 साल कंप्यूटर का डिप्लोमा भी हो, और सिपाही बाकी जितने थे जनरल ड्यूटी हो गया, कुक हो गया, मैस वेटर्स, मसालची वगैरह, इनके लिए आपकी क्लास जो है ना 8वीं पास होनी चाहिए, मिडिल पास हो, और बाकी जो नॉन कंपोनेंट्स इनरोल्ड थे उनमें भी आप खाकरोब के अलावा बाकी तमाम पोस्ट के लिए प्लम्बर है, हजाम है, इलेक्ट्रिशियन है, इनके लिए 8वीं पास हो, खाकरोब जो है वो प्राइमरी पास भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कद की बात करें तो कम अज़ कम कद जो है वो 5'6" होना चाहिए, छाती 33 से 34.5 इंच, और वज़न जो है वो हाइट के मुताबिक होते हैं, उसकी टेंशन ना ले आप, वो ज़्यादा नहीं होता। उम्र 18 से 30 साल, ठीक है, 18 साल से ज़्यादा हो, 30 साल से कम हो, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है किसकी, जनरल अपना जो जॉब्स आई हुई हैं पाकिस्तान रेंजर्स के अंदर सिंध में। तो आप लोग अप्लाई तो करेंगे, आप टेस्ट पूरे पाकिस्तान में कहीं भी दे सकते हैं और अप्लाई भी पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं, तो इस बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी, पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई का जो तरीक़ाकार है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जैसे ही फॉर्म अपलोड होगा शेयर कर दूंगा। मजीद गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट और ऑनलाइन अर्निंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।